हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईलर्निंग अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेक्चर नंबर 1, महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस क्लास 11 फिजिक्स का हम लोग बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसमें लॉ ऑफ मोशन का हम लोग न्यूमेरिकल्स, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, जो कि आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक से मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स किस टाइप से हम लोग टैकल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा चैनल का, आपको यहाँ पे ये चैनल का टेलीग्राम चैनल का आईडी मिला है, जहाँ से आप लोग को नोट्स डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। और ये मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी, आप लोग कोई डाउट्स वगैरह या फिर कोई नोट्स चाहिए रहेगा, हैंड रिटन नोट्स, तो आप लोग यहाँ पे मैसेज सेंड करके फाइंड कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं वन बाय वन, हर एक मैं क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और ईजी होने वाला है। तो आप लोग को इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर वीडियो ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे, ताकि आप लोग को बेस्ट वे में क्लियर हो जाए, हर एक कंसेप्ट समझ में आएंगे आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप लोग को बस स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहना है। ठीक है, साथ साथ अगर आप लोग नोट्स अगर फॉर्म कर रहे होंगे, है ना, तो आप लोग को बुक और पेन लेकर रखना है। जब आप बुक और पेन लेकर रखेंगे तो स्टूडेंट्स, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम लोग बुक और पेन लेकर बैठे हैं, तो उस टाइम पर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को वो देखना, और जब लिखने का और सुनने का काम दोनों एक साथ नहीं करना आपको। ओके, अगर आप दोनों एक साथ में करोगे तो प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मेन प्रॉब्लम ये। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ट्रक ऑफ मास 5 टन इज ट्रैवलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद 36 किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड स्टॉप्स ऑन ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर आफ्टर द इंजन फेल सडनली। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया, मास ऑफ ट्रक दिया हुआ है ना। सो मास ऑफ ट्रक का जो वैल्यू मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, मास ऑफ ट्रक इज नथिंग बट वॉट, इट इज़ नथिंग बट 5 टन, है ना। अगर ये 5 टन है, इसका मीनिंग क्या किए, 5 टन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, 5 × 10⁵, राइट इन राइट है, 5 × 10⁵ आ गया। नाउ नेक्स्ट टाइम देखो स्टूडेंट्स, अगर अब मैं सेकंड वैल्यू की बात करूँगा ना, और यहाँ पे वैल्यू दिया 36 किलोमीटर पर आवर, है ना, 36 किलोमीटर पर आवर जो गिवन है हमको, ये क्या गिवन है, स्पीड दिया है ना। स्पीड कौन सा स्पीड है, इनिशियल स्पीड। कैसे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि देखो कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है ना, स्टॉप ऑन ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर आफ्टर द इंजन फेल्स। तो स्टॉप कब हो रहा है, जब इंजन फेल हो गया। ओके, इसका मीनिंग क्या कि जब स्टॉप हो रहा है, इसका मीनिंग क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0, एंड जो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। जो 36 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको जैसे आप लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही आपको ये मिल जाएगा यूनिट 10 मीटर पर सेकंड के फॉर्म में। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही स्मॉल लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग को ना प्रॉपर वे में विजिबल हो। ओके, और सब कुछ यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट क्या पूछा, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट इज द फ्रैक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द रोड। ओके, तो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है फ्रैक्शनल फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इसका मीनिंग क्या है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इसका मीनिंग क्या है, कि ये क्या पूछ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट करने के लिए कितना वेट लगाना पड़ रहा है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसने स्टूडेंट्स, है ना, आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, यहाँ से सोल्यूशन हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जो भी सोल्यूशन रहेगा ध्यान से देखते रहना आप लोग। ओके, देखो जब सोल्यूशन की हम बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमेशा याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी रोड व्हीकल ये सब की बात कर रहा है, तो हमेशा काइनेमेटिकल, मोस्टली क्वेश्चन में काइनेमेटिकल इक्वेशन लग जाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, v² = u² + 2as। ओके, वेर v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, e इज एक्सेलरेशन एंड s इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब जो जो वैल्यूज गिवन थे मेरे पास, है ना, जो जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन थे, बट यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एक और यहाँ पे ना मिस हुआ था, क्या 1 टन मास है, किसका मास 1 टन है, इट इज़ नथिंग बट द मास ऑफ द कार, है ना। तो यहाँ पे एक और मैं डेटा लिख देता हूँ, जो कि गिवन वाला पार्ट है, मास ऑफ कार जो अपने पास मिल रहा है 1 टन है, तो 1 टन को हम लोग के जी में लिखेंगे, तो क्या आएगा, 1 × 10⁻³, और यूनिट क्या आ जाएगा, के जी। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम आप यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वी का वैल्यू 0। पहले हम लोग देखो स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये जो फ्रिक्शन फोर्स पर वेट, ये जो हमको फाइंड आउट करना है, पहले हमको ट्रक के लिए कैलकुलेट करना है। ओके, ट्रक के बाद किसके लिए फाइंड आउट करना है, कार के लिए भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं सिर्फ कार के लिए आपको बताऊंगा, ट्रक के लिए बताऊंगा आपको, कार के लिए खुद से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो वी का वैल्यू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना आ रहा है, 10, तो 10² + 2 × एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है वो तो फाइंड आउट कर लेना है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन था, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था, यहीं पे गिवन होगा, यस 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो 1 किलोमीटर को मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा, तो ये मुझे 10³ मिलेगा। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट क्या मिलेगा, नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन, और ये जो वैल्यू मिलेगा ना, 0.05 m/s² मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ओके, नॉन एक्शन स्टूडेंट्स, क्या हम लोग को सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करना था, नहीं, हमको क्या फाइंड आउट चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन वेट,
फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होने वाला है, आप लोग बता सकते हो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? यस, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला वही होगा जो बेसिक वाला होता है, क्या आएगा, मास इंटू ट्रक, मास ऑफ ट्रक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, है ना। तो अभी तक तो सिवाय ट्रक के हम लोग ने सिलेक्शन प्रोडक्ट का वेट, वेट क्या होगा बता सकते हो? यस, वेट क्या होगा, एम जी, है ना, वेट का होगा मल्टीप्लाई बाय एम जी। तो एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू कितना है ट्रक का, 5000, है ना। तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, है ना, आई होप समझ पा रहे होगा। तो यहाँ पे 5000 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय जी, जी तो 10 है ना। मास ऑफ ट्रक कितना दिया हुआ है, मास ऑफ ट्रक दिया है 5000, मास ऑफ ट्रक कितना दिया 5000, राइट कि नहीं राइट, यस राइट है। इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -0.05, और ये जो फाइनली आंसर मिलेगा हमको 5000 अगेन आएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। सो 5000 विल बी कैंसल, यहाँ पे जाएगा 0.05, तो 51 जा 52 जा, ओके। सो फाइनली हमको यहाँ पे मिलेगा 1/200, इसको पॉजिटिव में रखना है स्टूडेंट्स, है ना। तो 1/200 हमको यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू मिल रहा है, ओके। जिस टाइप से मैंने ट्रक के लिए सॉल्व किया उसी टाइप से आप लोग को कार के लिए भी सॉल्व कर लेना, ओके स्टूडेंट्स। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर आप लोग को क्या मिला, ओके। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है ना। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो सेकंड क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा सिंपल होगा। कैसे मानना पड़ा उससे भी ज़्यादा सिंपल होगा, देखो कुछ नहीं, क्वेश्चन में सब कुछ बताया उसने, कैसे बताया ध्यान से देखो भाई, कैसे बताया, देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ लाइटर ऑब्जेक्ट ए एंड हैवियर ऑब्जेक्ट बी, ओके। लाइटर ऑब्जेक्ट कौन सा ए, इसका मीनिंग क्या है, मास ऑफ बी हैवियर है ना, तो मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ए, राइट इन राइट है, यस राइट है। इनिशियली कहाँ पे, रेस्ट पे, इनिशियली रेस्ट पे, इनिशियली रेस्ट पे, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी आएगा वो जीरो आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या बोलता है, बोथ आर इंपॉर्टेंट टू द सेम लीनियर मोमेंटम, क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम सेम है, इसका मीनिंग क्या है, मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या, मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी, ओके। और क्या बोलता है, विच विल स्टार्ट द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ए और बी और बोथ विल स्टार्ट द सेम एनर्जी, उसने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी बता दिया उसने, है ना, कौन सा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हमें को पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की बात करेंगे तो 1/2 mv² होगा, है ना, मास तो कांस्टेंट होगा बट वेलोसिटी वेरी करेगा, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक मैं यहाँ पर रिलेशन लिख रहा हूँ, ओके। देखो जब भी हमको इक्वल मोमेंटम चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, मास ऑफ बी है ना, जो मास ऑफ बी, ये जो मास है, ये मास ऑफ बी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, ये मास ऑफ बी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये मास ऑफ बी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ मैं, ओके। तो कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। देखो यहाँ पर मास ऑफ बी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर मास ऑफ बी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सॉरी मास ऑफ बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो रॉन्ग हो गया, यहाँ पर मास ऑफ बी क्या हो रहा है, इंक्रीज, यहाँ पर मास ऑफ बी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मास ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ए का क्या हो रहा है, मास ऑफ ए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट ये डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो उससे हमको कुछ इशू नहीं है, बट यहाँ पे इक्वल को भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ ए को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट कि नहीं राइट स्टूडेंट्स, यस राइट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस, है ना। तो देखो इस टाइप से हमको बैलेंसिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज कराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका मीनिंग क्या है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी ऑफ ए है ना भाई, वेलोसिटी ऑफ ए है ना, वो वेलोसिटी ऑफ बी से ग्रेटर है। अगर मैं इसे बोलता हूँ कि चलो ठीक है ग्रेटर है कोई बात नहीं, तो इसको मैं 1/2 से 1/2 m से मल्टीप्लाई और इधर भी 1/2 m से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पार्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, हमको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, यही रिलेशन हमको कैलकुलेट करने बोला था, ओके। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझ गए रहेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए और आपको समझ में आ रहा है मस्त वीडियो, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि बहुत इजी है, जो कि एक लिफ्ट बेसिस कंसेप्ट के ऊपर बना हुआ है, ओके। क्वेश्चन में क्या बोलता है, एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इन साइड द लिफ्ट इट इज़ रिकॉर्डेड बाय 50 kg वेट, ओके। तो ये रहा लिफ्ट, लिफ्ट का डायग्राम ड्रॉ करना है हमको, उसके अंदर वेइंग मशीन है, उसने पहले कितना रिकॉर्ड किया, उसने रिकॉर्ड किया स्टार्ट में हमारे पास 50 kg, ओके। 50 kg वेट रिकॉर्ड तो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मेरे पास W में मान लेता है, इट इज़ नथिंग बट वॉट 50 kg, और वेट के साथ में दिया तो kg वेट है ये, है ना, न्यूटन नहीं, kg वेट है। बट इसके ऊपर जो है ना, ये जब वेइंग मशीन के ऊपर जो पर्सन खड़ा है उसका भी वेट आने के बाद, जब वो कहाँ पे जा रहा है, अभी देखो मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन कहाँ पे हो रहा है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड मोशन होगा, तो इसका मीनिंग क्या है कि वेट जो है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन वाला कहाँ पर अप्लाई होगा, अपसाइड, ठीक है। जो कि कितना दिया है, 45 kg वेट, है ना, 45 kg वेट, और जो मास इंटू एक्सेलरेशन लग रहा होगा, सुडो फोर्स का कहाँ पर लगेगा, अपसाइड, जो कि क्या रहेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस टाइप से हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, ओके।
नो नेक्स्ट वन देखते हैं वैल्यू एन बाय डब्ल्यू का मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ, एन का वैल्यू कितना मिला था मुझे 45 एंड डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 50। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो 9/10 मिल जाएगा। ओके 9/10 मिल गया, बट इसको बैलेंस करना पड़ेगा, जितनी भी फोर्सेस सभी फोर्सेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस होगा ध्यान से देखना आप लोग। ओके देखो अपवर्ड को अगर मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो अपवर्ड पॉजिटिव हो गया एन प्लस एम में, है ना, जो भी देखो न्यूट एन ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आप लग रहा था, मास इंटरेक्सलेशन आप लग रहा था, दोनों प्लस में, राइट साइड वाला जो नेगेटिव वाला उसको मैं राइट साइड में ले ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे 50, है ना, 50 मिल जाएगा। नहीं डायरेक्ट हम लोग 50 नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, एम जी लिखेंगे। एम जी के यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आ रहा है, किसको बैलेंस करने के लिए आ रहा है, दिस इज नथिंग बट वॉट। देखो ये जो 50 kg वेट है ना, मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा एम जी, उसके बाद ये 50 किलो वेट आ रहा है। ओके अब ये वैल्यू यहाँ पे देखो जो एन है ना मेरे पास, एन एन को मैं एजेट रखता हूँ, यहाँ पे क्या मिल जाएगा एम जी माइनस मास इंटू एक्सलरेशन। ओके वेर एम का जो वैल्यू है अपने पास, एम का वैल्यू जो है एम को एजेट रहने दो, है ना, यहाँ पे क्या जी माइनस ए, है ना, लेफ्ट में क्या मिलेगा एन, एन को मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस क्या मिलेगा एन इज इक्वल्स टू ए डब्ल्यू, यहाँ पे शिफ्ट करो तो 9W अपॉन क्या आएगा 10। ओके तो 9W अपॉन 10 और W का वैल्यू क्या है एम जी, है ना, 9MG अपॉन क्या आएगा 10। सो MM विल बी कैंसल। ओके कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, नो कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखो ये इस साइड हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 by 10 इज इक्वल्स टू क्या आएगा जी माइनस ए। ओके जी सेट शिफ्ट होगा, सॉरी 9/10 सेट शिफ्ट होगा, तो एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा जी बाय 10। ओके अब देखो स्टूडेंट्स जी का वैल्यू जो भी आप लोगों को देगा वैल्यू पुट करो और आंसर फाइंड आउट करो, अगर 10 है तो 1 meter पर सेकंड स्क्वायर, अगर 9.81 है तो सॉल्व करके आप लोग चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बेस्ट वे में समझ गए रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो स्टूडेंट्स हम लोग करना क्या, यहाँ पे क्वेश्चन 4 पहले हम लोग यहाँ पे रीड कर लेते हैं प्रॉपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता क्या है कि फिगर बिलो शोज अ ब्लॉक ऑफ मास 35 kg रेस्टिंग ऑन अ टेबल, रेस्टिंग ऑन अ टेबल, द टेबल इज शोज रफ दैट इट इज ऑफर अ सेल्फ एडजस्टिंग रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 10% ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ इट्स स्लाइडिंग मोशन अलॉन्ग द टेबल। ओके तो यहाँ पे क्या बोला कि जो भी वेट है वो क्या हो रहा है यहाँ पे इस टेबल के साथ में स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर फर्स्ट फोर्स की देखो, ये जो है ना ये 35 kg का वेट लग रहा है, यहाँ पे 200 kg वेट लोड है और यहाँ पे ये जो पैन लगा है 2 kg का है। ओके तो यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस की बात करूँगा, सबसे पहले मुझे स्टैटिक फोर्स मिलेगा, स्टैटिक फोर्स कितना मिलेगा 0.1 × 35। 0.1 यहाँ पे क्या बताओ, 0.1 यहाँ पे जो गिवन हमने पास, इट इज़ नथिंग बट वॉट 0.1 इज़ नथिंग बट वॉट 10%। ओके 10% को मैंने 0.1 लिखा, है ना, 0.1 × 35। ओके जैसे 35 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग के पास वैल्यू मिल जाएगा 3.5 न्यूटन। ओके 3.5 न्यूटन 10 के साथ में, सॉरी 3.5 नहीं 35 न्यूटन हो जाएगा ना, 35 10 के साथ मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया जी के साथ में, 35 हो गया न्यूटन, है ना। जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो केजी वेट से न्यूटन में बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछता क्या है, देखो अगर लेफ्ट में जाएगा या फिर राइट में जाएगा तो कितना मिनिमम जाएगा कितना मैक्सिमम जाएगा, देखो आंसर भी यहाँ पे देखा है कितना मैक्सिमम जाएगा और कितना मिनिमम जाएगा। ओके तो यहाँ पे फिर हम लोग सेकंड बात करते हैं वेट, इसका वेट क्या आने वाला है एमजी, है ना, तो एमजी के लिए 35 × 10 इक्वल टू आ जाएगा 350 न्यूटन। 350 न्यूटन हमको डब्ल्यू यहाँ पे मिल गया। ओके स्टूडेंट्स बहुत इजी, बस ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे एफबीडी की बात करूँगा, कौन सा एफबीडी ड्रॉ करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ करेंगे जो हमारे पास अप साइड में यहाँ पे प्रेजेंट है, है ना, इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे जो इसका वेट है, इसका एफबीडी नहीं ड्रॉ करेंगे हम, पहले ना ई वाले का ड्रॉ करेंगे, है ना। डायग्राम आप लोगों को दिखने वाला मैं ऊपर साइड करता हूँ, ये इसका देख रहे हो ना ये वाला जो अपडेट था, इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो ये जो वेट है डाउनवर्ड ऐड करेगा, कितना ऐड करेगा 20 kg वेट, है ना। और ये जो अप साइड में जा रहा है ये क्या जा रहा है, टेंशन माने वाले कि T1 कैसे मिल रहा है टेंशन, देखो स्टूडेंट्स टेंशन हम लोग को डायरेक्टली मिलता है क्या, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉडी हमने कंसिडर किया ना, ये बॉडी कौन सा बॉडी, ये देखो ना इसके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, उस टेंशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे अगर बोलोगे सर टेंशन कितना है तो कोई नहीं, टेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। T1 इक्वल टू क्या आएगा 20 × 10 कर रहा हूँ मैं, है ना, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 200 न्यूटन यहाँ पे वैल्यू हमको T1 मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लोग बात करें कंडीशन का, जब वो लेफ्ट जाएगा तो क्या कंडीशन होगा, जब वो राइट जाएगा तो क्या कंडीशन होगा। ओके सो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेफ्ट में जब वो जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में जाने के टाइम वो किस टाइप से यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके तो यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये जो स्ट्रिंग है ना इसी का ही हम लोग बात करेंगे, है ना। जब वो लेफ्ट में जाएगा मीन्स इस साइड जब ये स्ट्रिंग अटैच है ना, इस साइड जब T1 रहेगा, इस साइड जब अटैच रहेगा तो क्या बनेगा T2। ओके
इस टाइप से दो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास रहेंगे। ओके देखो ये इसी में वीडियो ड्रॉ कर लेता हूँ, इस साइड जाएगा तो T2, इस साइड गया तो T1। ओके जब ये देखो ये देखो जब इस साइड मोशन कर रहा है मतलब लेफ्ट जा रहा है, हमने क्या मान लिया कि बॉडी कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। जब बॉडी लेफ्ट मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ पर आएगा, अपोजिट में है ना, अपोजिट में आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। अब सभी फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, T1 माइनस देखो लेफ्ट को मैंने पॉजिटिव माना तो यहाँ पे नेगेटिव, T1 माइनस T2 माइनस क्या आएगा FS इक्वल टू 0। ओके इसको बैलेंस करोगे तो क्या मिलेगा, T2 इक्वल टू है ना, सब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, T2 इक्वल टू क्या आएगा T1 माइनस ऑफ FS है ना। तो T1 का वैल्यू कितना आ रहा था देखो, पीछे फाइंड आउट करता ना ऊपर है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया था 35, सॉल्व हो गया कितना मिल गया भाई 165 न्यूटन। तो यहाँ पे T2 हमको कितना मिला 165 न्यूटन। क्या हम लोग को सिर्फ T2 फाइंड आउट करना है, नहीं, हमको और क्या चाहिए, हमको और यहाँ पे चाहिए एक्स्ट्रा कितना इसने गेन किया। ओके बट एक्स्ट्रा गेन करने के पहले मैं यहाँ पे T2 को करना चाहता हूँ सिंप्लीफाई, कैसे देखो यहाँ पे 165 तो मुझे मिल गया है ना, 165 मिल गया। अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ कितना, देखो T2 यहाँ पे टेंशन लग रहा है, T2 यहाँ पे टेंशन लग रहा है, बट कितना एक्स्ट्रा टेंशन आ रहा है ना, वो हमको यहाँ पे देखना है, वही तो हमारे पास क्या रहेगा मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यूज। ओके तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है अपने पास 165 माइनस, अब बट देखो 165 लग रहा था ये कहाँ पे मिला हमको, T2 के ऊपर है ना, कहाँ पे मिल रहा था हमको T2 के ऊपर, और T2 कहाँ पे लग रहा है देखो, T2 यहाँ पे पैन के पास है, बट पैन के पास ऑलरेडी क्या है 2 kg का, पेन के पास ऑलरेडी क्या है 2 kg का वेट है ना, 2 kg वेट है यहाँ पे, पेन के पास ऑलरेडी 2 kg वेट है। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास 2 kg वेट आ रहा है ना, जो 2 kg वेट आ रहा है उसको भी हम लोग क्या करेंगे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 165 माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 200। ओके 165 माइनस क्या हो जाएगा 200, जो कि कितना मिलेगा 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटा सा रॉन्ग आ रहा है ना, छोटा सा रॉन्ग आ रहा है। मैं क्या कर लेता हूँ, ये देखो ये जो है ना रफ कर देता हूँ, मैं फिर से इसको बताऊँगा आप लोगों को, डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखना स्क्रीन के ऊपर, बस आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा, हर एक वे बेस्ट वे में आप लोग को क्लीन करा दूंगा मैं, सॉरी क्लियर करा दूंगा, डोंट वरी। ओके देखो 165 न्यूटन है ना, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ वापस से किस में, केजी वेट में, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला केजी वेट में था इसलिए मैंने इसको भी कन्वर्ट कर लिया केजी वेट में। कैसे किया, जिसे वापस डिवाइड कर दिया, जिससे मल्टीप्लाई किया था हमने है ना, तो यहाँ पे आएगा 16.5 माइनस 2 kg वेट से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हमको फाइनली आंसर मिल गया 14.5, बट एग्जैक्ट 14.5 देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, 14.5 से लेस नहीं होना चाहिए है ना, 14.5 से लेस नहीं होना चाहिए, हम लोग क्या करेंगे उससे ग्रेटर रखेंगे, क्योंकि 14 पॉइंट मिनिमम चाहिए ना हमको, समझ में आ रहा है, मिनिमम चाहिए तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 15 kg वेट। ओके तो ये हमारा मिल गया हमको वैल्यू 15 kg वेट का। ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे किस टाइप से सिंप्लीफाई होगा, लेफ्ट साइड मैंने कंसिडर किया। अब हम लोग कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स राइट में, जब यही बॉडी यही ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट जो बीच में लगा था ब्लॉक राइट में जा रहा है, तो क्या कंडीशन होगा, तो मैं ब्लॉक FPT ड्रॉ कर देता हूँ। अगेन देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाएगा तो T1 और यहाँ पे जाएगा तो T2, बहुत सिंपल है ना। देखो मोशन कहाँ पे हो रहा है, इस साइड मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा अपोजिट, यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया FS। ओके अगेन कंडीशन जो बैलेंस करोगे ना, T2 इक्वल टू क्या मिलेगा T1 प्लस आ जाएगा यहाँ पे FS है ना, थोड़ा अपसाइड में ले ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। सो T2 स्टूडेंट्स यहाँ पे T2 आ गया अपने पास, T1 का वैल्यू दिया था 200 प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था 35, तो यहाँ पे हमको मिल गया 235 न्यूटन। ओके अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, अगेन किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी वेट में, तो 235 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10 से। ओके जैसे डिवाइड करोगे 23.5 यहाँ पे आ जाएगा 23.5 केजी वेट आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन एक्स्ट्रा कितना इसके ऊपर, देखो यहाँ पे जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स टेंशन के ऊपर कितना एक्स्ट्रा टेंशन आ रहा है, एक ऐसे मानना पड़ रहा है जो, क्योंकि 2 kg ऑलरेडी दिया था ना, 2 kg के ऊपर देखो, ये जो 2 kg ऑलरेडी इसके ऊपर कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है वही हमको कैलकुलेट करना है। ओके तो एक्स्ट्रा कितना कैलकुलेटर है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को, एक्स्ट्रा जो हमारे पास मिल रहा है स्टूडेंट्स ये 23.5 माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा 2 है ना 2 kg वेट, तो अगेन क्या मिल रहा है हम लोग को 21.5 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको ऊपर आना चाहिए, हमको यहाँ पे क्या मिनिमम कम से कम कितना आगे जा सकता है, 21.5 नहीं उससे कम कितना जाएगा 21, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है 15, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके तो ये 21 अपने पास आंसर आ गया, जो कि क्या रहेगा अपने पास 21 आंसर क्या रहेगा मिनिमम। ओके 21 आंसर क्या रहेगा मैक्सिमम, और 15 क्या रहेगा मिनिमम, कम से कम मिनिमम इतना रहेगा और मैक्सिमम 21। ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोग समझ करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इजी है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व किया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ किस टाइप से ये होने वाला है। ओके आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहना, बस आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब आगे मूव करते हैं, जब मूव करने जाओगे तो यहाँ पर मालूम पड़ेगा आप लोग को कि पावर बोलता है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स बोला है, एंड पावर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
मास एंड पावर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. ओके एक्चुअल में यहाँ पर बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. बट पावर ऑलरेडी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? पावर के, है ना. इसका मीनिंग क्या है कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मास एंड टाइम. ओके अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है तो इसको रिमूव कर रहा है. देखो मैं इस ये लिख रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा. सो पावर इज इक्वल्स टू क्या आएगा कि कॉन्स्टेंट यहाँ पर ले लिया मैंने एफ रेस टू एक्स एंड एम रेस टू वाई एंड टी रेस टू जेड. ओके स्टूडेंट्स अब क्या करना है, इसको डायमेंशन बेसिस पे सॉल्व करना है, डायमेंशनलेसिस के बेसिस पे सॉल्व कर लेना है. ओके पावर का जो भी डायमेंशन है यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू के को वन मान लिया हमने, और फोर्स का जो भी डायमेंशन है उसको लिखेंगे एक्स लिखेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट एम का जो भी मास है ना, मास का डायमेंशन क्या आएगा एम वन. ओके पावर वाई आ जाएगा. अगेन टाइम का डायमेंशन क्या आएगा टी वन, है ना. तो यहाँ पे पावर क्या आएगा जेड. ओके अब इसको जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, नॉर्मली सिंप्लीफाई करेंगे फिर बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करके हमको फाइनली लास्ट में पावर का रिलेशन और टी के टर्म में मिल जाएगा, वही हमको यहाँ पे से कोई ना कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स ये फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे किस टाइप से इसको सिंप्लीफाई करना है. ओके नेक्स्ट आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं. बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर सिक्स, है ना. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 40,000 लीटर यहाँ पे क्या दिया वॉल्यूम, है ना. तो यहाँ पे वॉल्यूम लिख देता हूँ मैं 40,000 लीटर. वॉल्यूम कितना आ रहा है 40,000 लीटर. जो हमको वॉल्यूम यहाँ पे 40,000 लीटर मिल रहा है ना स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग क्या करना है यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ले लेना है. तो जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करने जाएंगे ना भाई, जैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको केजी के टर्म में, है ना. कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी के टर्म में, देखो केजी नहीं मीटर क्यूब के टर्म में. तो 40,000 को 40×10^3 को मैं लीटर में था ना कन्वर्ट किया मीटर क्यूब के टर्म में, तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, है ना. तो ये रहा कन्वर्जन फैक्टर, तो 40 मीटर क्यूब वैल्यू मिल गया. क्यों कैंसिल हो गया ना भाई, ठीक है. नेक्स्ट वॉल्यूम मिल गया, अब हमको डेंसिटी चाहिए. डेंसिटी कितना दिया 0.1, ये ग्राम पर सीसी है. ग्राम पर सीसी का मीनिंग क्या है, क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे तो आ तो गया, बट हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे क्या, नहीं. इसको क्या करेंगे कन्वर्जन 0.9×10^-3, है ना. किस में क्या, केजी में. अगर सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या करेंगे हम लोग बताओ, सेंटीमीटर क्यूब के लिए हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10^-2 और यहाँ पे क्यूब. ओके सब सिंप्लीफाई कर लोगे तो लास्ट में आपको 900 केजी पर मीटर क्यूब मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे. ओके डेंसिटी मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, और यहाँ पे दिया 10 मीटर हाइट, तो हाइट भी दे दिया उसने 10 मीटर. देखो वॉल्यूम डेंसिटी और हाइट दिया उसने. यहाँ पे आई होप समझ पा रहे होंगे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है. क्या पूछा उसने, पावर पूछा है. सो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, एंड वर्क इज नथिंग बट द टाइप ऑफ एनर्जी, सो इट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला MgH, है ना, वैल्यू से पता चला मुझे टाइम. सो मास हमको दिया गया नहीं, तो क्या करेंगे हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यूज करेंगे. g कितना होगा 10, एंड हाइट भी 10 दिया, डिवाइड बाय क्या कर देंगे टाइम. टाइम कितना दिया है हाफ एन आवर, दैट मीन्स 30 मिनट्स, है ना. 30 मिनट्स मिनट्स में रहेगा क्या, नहीं. इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से. ओके तो कितना आ जाएगा 1800. ओके डेंसिटी यहाँ पे मिला है स्टूडेंट्स, सो 900 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना 40 × 10 × 10 करेंगे अपॉन में 1800. और जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करोगे सिंपल मैथ्स यूज करोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 kW, है ना. 2 kW ही आप लोग को आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को. अब यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना. देखो स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ क्वेश्चन को वीडियोस को शेयर करेंगे, मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो जाए उतना शेयर आप लोग ट्राई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट वन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 की बहुत सिंपल है, ठीक है. वन बाय वन आप लोगों को समझ लेना है किस टाइप से यहाँ पे हो रहा है, बस उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में. ओके क्वेश्चन नंबर 7 में देखो स्टूडेंट्स क्या बोलता है, 10 आइडेंटिकल मासेस है, मतलब यहाँ पे जो अपने पास मासेस लगे कितने 10 मासेस है. इस टाइप से 10 मासेस लगे हुए, इस टाइप से 10 मासेस लगे हुए, कितने हैं 10. ओके 10. नेक्स्ट क्या बोलता है, कनेक्टेड वन बिलो द अदर विद द 10 स्ट्रिंग होल्डिंग द टॉप मोस्ट स्ट्रिंग, द सिस्टम इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन g/2. ओके तो ये हमारे पास है टॉप मोस्ट में होल्डिंग किया हुआ है, ठीक है. g/2 एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है वो. ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट वन अब हम लोग आगे मूव कर लेते हैं. और यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट इज द टेंशन ऑफ द 6th स्ट्रिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट. तो ओके सिक्स्थ जो यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा ना, 6th नंबर है उसका अपमोस्ट में अपर में क्या टेंशन है. ओके तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन सभी को सॉल्व करेंगे. तो देखो फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉक था उसको ड्रॉ किया, ऊपर गया t1, नीचे जो स्ट्रिंग का जो टेंशन रहेगा वो t2 रहेगा, है ना. बट इसका ब्लॉक का खुद का वेट भी तो होगा, क्या होगा mg. ओके सो इट इज नथिंग बट वॉट t1 इक्वल टू क्या आएगा
टी टू प्लस क्या गया एम जी, टी वन इक्वल टू टी टू प्लस क्या गया एम जी। ओके स्टूडेंट्स, टी टू प्लस एम जी तो आ गया, बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, टी वन माइनस टी टू और यहाँ पे माइनस एम जी लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिख देंगे, इक्वल टू हम क्या लिख देंगे बताओ, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यस नहीं ऑलरेडी प्लस था तो माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसका इफेक्ट आएगा ना, इसका इफेक्ट क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का इफेक्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया। ओके तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके सेम जैसे देखो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करोगे ना, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट को, ये सेकंड ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा उनको बताओ, यहाँ पे न्यू क्या मिलेगा टी टू, नीचे क्या आने वाला बताओ टी थ्री, और इसका सेल्फ वेट क्या आएगा एम जी, अगेन बैलेंसिंग करोगे तो क्या मिलेगा टी टू माइनस टी थ्री माइनस एम जी इक्वल टू क्या आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस टाइप से हमारे पास क्या होने वाला है, टेन टोटल टेन एक्सेलरेशन का वैल्यूज़ मिलेंगे, टोटल कितने वैल्यूज़ मिलेंगे, टेन एक्सेलरेशन के वैल्यूज़ मिलेंगे स्टूडेंट्स। ओके तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ टी थ्री माइनस टी फोर माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया, ये इक्वेशन नंबर वन था, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। अब यहाँ पे आगे इक्वेशन की बात करोगे तो टी फोर माइनस क्या आएगा, सॉरी ब्रैकेट में रखेंगे तो ना यहाँ पे टी फाइव आ जाएगा, प्लस में आएगा ना ब्रैकेट में रखोगे तो। ओके इक्वल टू क्या मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन नंबर फोर। इस टाइप से आप लोग को फिफ्थ इक्वेशन लिख लेना, और इसी टाइप से आप लोग को सभी फिफ्थ इक्वेशन लिखने के बाद टी फाइव भी लिख देता हूँ मैं, टी फाइव माइनस क्या आएगा टी फोर माइनस एम जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इट इज नथिंग बट व्हाट फाइव। सभी को हम लोग क्या करेंगे ऐड, सभी को क्या करेंगे ऐड, सबको जैसे ही ऐड करोगे ना भाई, सबको ऐड करोगे तो हमारे पास टी वन तो सेम आएगा, बट जो लेफ्ट साइड का देखो ये क्या होने वाला मालूम है, जब ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ऐड करके चेक कर लेना, विश्वास नहीं है तो, है ना। यहाँ पे आएगा फाइव एम जी इक्वल टू आ जाएगा फाइव मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमको ऐड करने के बाद इक्वेशन मिलेगा। ये जो इक्वेशन मिलेगा ना स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन टी वन का देख रहे हो ना, ये टी वन का इक्वेशन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें बैलेंसिंग करेंगे, है ना। बैलेंसिंग कैसे करेंगे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जब टी सिक्स की बात करोगे ना, टी सिक्स का इक्वेशन, टी सिक्स का इक्वेशन लिखता हूँ टी वन माइनस टी सिक्स माइनस क्या आएगा फाइव एम जी। ओके यहाँ पे आ जाएगा फाइव एम जी, यहाँ पे आ जाएगा फाइव मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके जैसे यहाँ पर टी सिक्स के इक्वेशन की बात करोगे स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है चलो ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। तो टी सिक्स का फाइनल इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टी सिक्स इक्वल टू आएगा टी वन माइनस फाइव एम जी माइनस क्या आएगा फाइव एम ए। ओके तो यहाँ पे देखो टी वन का वैल्यू हमारे पास दिया था क्या, नहीं टेंथ ब्लॉक का वैल्यू बात किया उसने। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा ना टेंथ ब्लॉक के अगर मैं वैल्यू की बात करें टेंथ ब्लॉक का, तो टी वन माइनस टेन एम जी होगा, जैसे हम लोग पहले लिखे थे इसके पहले, टेन एम जी इक्वल टू आएगा फाइव, फाइव नहीं आएगा सिर्फ मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके तो इस टाइप से हम लोग को टी सिक्स का वैल्यू मिल गया, जो कि इक्वेशन नंबर सिक्स तो हो गया, ये नहीं ये तो आगे का होगा टी वन का वैल्यू। अब इसी वैल्यू को देखो, ये देख रहे हो ना टी वन यहाँ से मिलेगा, ये टी वन का वैल्यू क्या करना है इसमें, इस इक्वेशन में पुट करना है टी सिक्स में, जैसे टी सिक्स में पुट करोगे तो आपको टेंशन नंबर सिक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स आई होप लोग समझ गए रहेंगे मस्त बेस्ट वे में, है ना। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट का, क्वेश्चन नंबर एट आप लोग ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। देखो मास ऑफ फर्स्ट दो गैलेक्सीज है, मतलब दो प्लैनेट है यहाँ पे, फर्स्ट का 9 बिलियन बोला है, तो मास ऑफ ए का हमारे पास वैल्यू कितना, 9 × 10⁻⁹ एम एस लिख रहा हूँ ना, मास ऑफ सन, देखो सोलार मास बोला है ना, तो मतलब 9 times ऑफ सोलार मास है। तो मास ऑफ बी का बोला है 5 million light years अपार्ट। ओके ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम वैल्यू लिख रहे हैं 4 × 10⁻⁹ जो कि बिलियन में है, तो यहाँ पे मास ऑफ अगेन सोलार आ गया। अगर डिस्टेंस की बात करोगे ना, डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है क्या, यस 5 million light years डिस्टेंस दिया है। ओके तो आर यहाँ पर डिस्टेंस हम मानते दो प्लैनेट्स के बीच में, जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से इस डिस्टेंस के बारे में क्लियरिटी आएगी। तो 5 × 10⁻⁶ यूनिट क्या गया, लाइट ईयर, एल वाई लाइट ईयर लिखा मैंने। ओके यहाँ पे अपने पास मास ऑफ ए है और सेकंड मास ऑफ बी है, इस टाइप से दो ऑब्जेक्ट दोनों का मास है और यहाँ पे बीच में क्या रहेगा डिस्टेंस। ओके ये टोटल डिस्टेंस आर है, बट ये जो डिस्टेंस रहेगा हमारे पास आर है और ये जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा आर बी। ओके तो इस टाइप से हमारे पास दो दो डिस्टेंस है। आप यहाँ पे बोलोगे कि सर इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करा होगा वो कुछ होगा, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन एक्ट करा होगा कुछ होगा, है ना, बट दोनों भी अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे, दोनों भी क्या है सेम है, दोनों भी क्या है सेम है, इसका मीनिंग क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा जीरो। सो फोर्स एट ए इक्वल टू क्या आएगा फोर्स एट बी। ओके फार्मूला क्या अपने पास, जी एम 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 ए एम मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, एम मल्टीप्लाई बाय आर ए द होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा जी एम बी मल्टीप्लाई बाय एम क्या आएगा अपॉन आर बी द होल स्क्वायर। इस टाइप से हमारे पास वैल्यू मिलेंगे। ओके जैसे जैसे ही वैल्यू सब देखोगे ना, बाकी सभी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, जी कैंसिल हो गया, स्मॉल एम भी कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे अपने पास आर कैंसिल हो गया, नहीं एम ए अपॉन क्या मिलेगा रिलेशन, एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू आर ए
अपॉन आर बी द होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यही तो हमको फाइंड आउट करना था, है ना। तो आर ए अपॉन आर बी का यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा आपको। एम ए और एम बी का वैल्यू दिया है ना, कहाँ पे दिया है देखो ना भाई, ये दिया ना। तो आर ए अपॉन आर बी का वैल्यू निकाल जो मिलेगा, मैं लिख देता फाइनली यहाँ पे 3/2 मिल जाएगा, है ना। बट यहाँ पे देखो ना स्टूडेंट्स, टोटल आर क्या दिया, टोटल आर इज़ नथिंग बट वॉट आर ए प्लस आर बी, है ना। टोटल आर क्या, आर ए प्लस आर बी। ओके, अब यहाँ से देखो आर ए और आर बी का रिलेशन मिला है, तो आर ए इज इक्वल्स टू अगर 3/2 इंटू आर बी आप लोग यहाँ पे पुट करोगे तो आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा इक्वेशन। ओके, जैसे इक्वेशन मिलेगा ना स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है और आर ए आर बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। जो भी वैल्यू मिलेगा वो आप लोग का फाइनल आंसर होगा। ओके, बहुत सिंपल था स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इजी वे में आप लोग को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हमें। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th का, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन, जब देखते ही ख़त्म ऐसा क्वेश्चन है, है ना। देखो क्या बोला, वाइल डिक्रीजिंग लिनियरली फ्रॉम 5 न्यूटन टू 3 न्यूटन। ओके, तो ये रहा अपने पास डायग्राम, ये फोर्स हो गया, यहाँ पे क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स के फॉर्म में, और क्या बोलता है डिक्रीज हो रहा है, लीनियर डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा डिक्रीज होगा, है ना। ये रहा 5 न्यूटन यहाँ पे रेंज, ये रहेगा, ये देखो ये जो रेंज मिलेगा हमको क्या मिलेगा, 3 न्यूटन का रेंज। ओके, इस पॉइंट पर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा क्या मिल जाएगा, 3 मीटर, और ये पोजिशन में जो वैल्यू मिलेगा 5 मीटर। ओके, अब क्या पूछता है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, क्या पूछा, वर्क डन। देखो 10 बार मैंने क्लास में ऑफलाइन में बताया कि आप लोगों को वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो ये पूरा का पूरा एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हो, ये ट्राइंगल, ये जो देख रहे हो ये ट्राइंगल प्लस ये रेक्टेंगल ऐड कर लो, या फिर यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, ट्रापेजियम, है ना। ट्रापेजियम आप लोगों का फेवरेट, 1/2 फॉर्मूला बता देता हूँ, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5, और ये कितना है 3, है ना। ये डिस्टेंस देखो ना, ये 5, ये 3, तो 5 + 3, है ना। नाउ नेक्स्ट वन, ये बेस कितना है, बेस 2 है, बेस, है ना। 5 + 3 8 हो गया, 8/2 इंटू 2 विल बी कैंसल, सो फाइनली अपने पास 8 यहाँ पे वैल्यू मिल जाता है। ओके, तो 8 जो हमको वैल्यू मिलेगा न्यूटन के फॉर्म में मिलेगा, सॉरी वर्क डन है तो जूल के फॉर्म में मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9th में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया फर्स्ट पार्ट आप लोग का, जो भी हम लोग ने यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट किया लॉ ऑफ मोशन, उसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आप लोग को वीडियो समझ में आ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स देखो, स्टूडेंट्स आप लोग के लिए चैनल है, आप लोग के लिए ही चैनल है, ठीक है, आप लोग का ही चैनल है। ओके, तो कोई वीडियो कोई क्वेश्चन नहीं समझा रहा तो क्वेश्चन रिपीट कर लेना, प्रॉपर हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हर एक चीज़ मैंने ट्राई किया, सब कुछ समझ में आया, तो आप लोग 1 by 1 जो भी बोला, मैं देखो यहाँ पे मे भी ना आप लोग को इशू हुआ रहेगा, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से इशू रहेगा, बट फिर भी आप लोग आई होप समझ आएंगे। ओके, तो चलो ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। अगेन आप लोग को चैनल को, आपको अगर ज्वाइन करना है इस टेलीग्राम चैनल को, तो आप लोग को यूट्यूब पे जाना है, ई-लर्निंग अकेडमी सर्च कर लेना है, वहाँ पे अबाउट में जाना, अबाउट में जाने के बाद आप लोग को टेलीग्राम का वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना, है ना। या फिर इंस्टा आईडी पे यहाँ पे मुझे फॉलो करो, वहीं से मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए आप लोग रिविज़न करते रहिए, ठीक है। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू कंसेप्ट के साथ में, थैंक यू।